हे गाइस, वेलकम बैक टू रोशन आरास बोल। सो गाइस, रिसेंटली पीसीएस एमक्यूटी की तरफ से जो है सर्वे ईमेल्स आना शुरू हो गया था कुछ दिन पहले ही। एंड आज जो है टीसीएस एमक्यूटी की तरफ से जो है स्कोर कार्ड रिलीज हो गए हैं फॉर 2021 मई के जो एग्जाम्स हुए थे। सो लेट्स डिस्कस कि वहां पे आपको बेसिकली किस तरीके से स्कोर कार्ड चेक करना है। देन वी विल डिस्कस कि आपको यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट, स्कोर कार्ड आ गया है अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल किस तरीके से कम्प्लीट करनी है, इंक्रीज करनी है, सो दैट आपके पास चांसेस ऑफ जॉब्स जो है अप्लाई करें एंड वहां से आपको रिवॉर्ड आए फॉर यू नो फॉर द प्रोसेसेस। एंड ऑल्सो कि आपको यहाँ पे किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना है। एंड ये स्कोर कार्ड जो है बेसिकली 2 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन। सो अब जो है आपको यहाँ पे किस तरीके से चेक करना है स्कोर कार्ड वो देखते हैं। एंड आपको किस तरीके से 100% कम्प्लीट करना है अपना जो प्रोफाइल है, या मतलब टिल 100% एटलीस्ट करना है ज्यादा से ज्यादा, वो देखते हैं। सो आपको यहाँ पे लॉग इन करना है एंड लॉग इन में आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करने। तो एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे। तो एडिट पे जाने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। जो भी आपने कंप्लीट किया तो आपको दिख जाएगा कितना परसेंट है, लाइक 4%, 10%, 50%, वो आपको दिख जाएगा। सो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एड मोर सेक्शन करने हैं। सो यहाँ पे से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोफाइल समरी, आपकी प्रोफाइल किस तरीके की है, जैसे हम लिंक्डइन में प्रोफाइल्स बनाते हैं, इट्स सिमिलर टू दैट, है ना। आपको की स्किल्स ऐड करने, एक्सपीरियंस ऐड करना है, एजुकेशन, योर प्रोजेक्ट्स, योर अकम्पलिशमेंट्स, अगर कोई आपके एक्सपीरियंस हो वो ऐड करना है, रिज्यूम अपलोड करना है, लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती है, वो सारी की सारी चीजें आप जो ही मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें अपलोड करते हैं। कोई आपने प्रोजेक्ट किया उसकी वीडियो है, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना वर्क शो कर सकते हैं, वहां पे उनका लिंक भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सो दैट उनको पता रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी जो प्रोफाइल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे इंक्रीज होती रहती है। इसके अलावा जो है आप अपनी, देखिए 100% प्रोफाइल जो है आई डोंट थिंक सो किसी का कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो, 90 से ऊपर, 95% तक हो, दैट इज कंसिडर्ड टू अ वेरी गुड प्रोफाइल, है ना। तो आप जितना ज्यादा ज्यादा कंप्लीट कर सकते हो उतना करिए। अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो एडिट प्रोफाइल विजिबिलिटी, तो यहाँ विजिबिलिटी में आपको यहाँ पे सब कुछ यस रखना है, सो दैट आपकी जो विजिबिलिटी है आपके प्रोफाइल की, वो रिक्रूटर्स को जो है वो दिखे, कॉर्पोरेट्स को जो है दिखे। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो आपकी वो रिकमेंडेशन इवन टीसीएस भी नहीं देता है कि आप इसको नो करें। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो आगे तक नहीं पहुंचती है, ज्यादा रीचेबल नहीं होती है विच यू कैन से। सो यहाँ पे आप मेंशन भी होगा, ठीक है, प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है, कॉर्पोरेट करना है, आपको कॉर्पोरेट करना है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग टू कंप्लीट टीसीएस का यहाँ पे प्रोफाइल। तो गाइस, अब चेक करते हैं हम कि आपको जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। जब आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, आप देखिए यहाँ पे कितने अवेलेबल जॉब्स हैं, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। जैसे ये .NET डेवलपर है, तो आपने यहाँ पे अप्लाई किया, एंड देन अगेन आप लोकेशन वगैरह किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपको रिज्यूमे वगैरह अपलोड करना है, एंड देन आप सेव कर दीजिए। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर वेरियस जॉब्स, जहाँ पे काफी सारी जॉब्स यू नो अपॉर्चुनिटी है जो कि आप अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे टीसीएस का एमक्यूटी स्कोर, जो कि आपको पता है कि 2 ईयर्स तक का वैलिड होता है। इसके अलावा एक और चीज, अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो आप अपकमिंग टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं, सो दैट आपका जो स्कोर है वो धीरे धीरे इंप्रूव भी हो जाए आपका। सो नेक्स्ट गाइस, इफ वी टॉक अबाउट कि टीसीएस दोबारा हायरिंग कर रहा है, इंटरव्यूज करेगा, यस, सो दिस इज, सो आपको सर्वे ईमेल्स आए, सर्वे ईमेल के बाद तुरंत उन्होंने कुछ दिनों के अंदर अंदर ही जो है ये स्कोर कार्ड रिलीज किया। अब नाउ दे कैन यू नो शेयर यू द इंटरव्यू यू नो शेड्यूल्स, एंड आगे वो हायरिंग स्टार्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन टीसीएस के ऊपर है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है टीसीएस के ऊपर कि आगे उनको रिक्वायरमेंट्स हैं कि नहीं है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वो आगे हायरिंग शुरू करने वाला है। तो आप प्लीज अपने ईमेल जो है वो रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि अभी स्कोर आया है, हो सकता है आगे की प्रोसेस भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए। सो फाइनली गाइज, आप लोगों ने देखा किस तरीके से आपको जो है स्कोर कार्ड चेक करना है, प्रोफाइल कंप्लीट करनी है ताकि आपका जो है चांसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ज्यादा हो। ऑल्सो गाइज, आई हैव क्रिएटेड वीडियो फॉर यू पीपल जिन्होंने माइंडट्री के लिए अप्लाई किया है फॉर देयर यू नो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, एंड प्रोबेबल टॉपिक्स जो हैं वो आपके किस तरीके से हो सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा जिन्होंने भी अप्लाई किया है। सो आई होप कि यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, यहाँ पे हिट करिए जल्दी से रेड कलर का बटन, लाइक 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 कर दीजिए। टिल देन गाइज, बाय, हैव अ ग्रेट डे, बी सेफ, टेक केयर, बाय।